नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायती चुनाव हुए थे तो ये कहा गया था कि पंचायतें जो है उन्हें सशक्त किया जाएगा। उसके बाद पहली बार जो बीडीसी के चुनाव थे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, लेकिन पंचों और सरपंचों की बात करें तो लगातार सुरक्षा की मांग जो है वो की जाती रही है। और एक और सरपंच जो हैं वो आज कश्मीर घाटी की बात करें तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और लगातार सरपंचों की बात करें तो उन पर हमले जो हैं वो जारी हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा, आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और बीडीसी चेयरमैन भी हैं ये जिला राजौरी के सुंदरबनी जो ब्लॉक है वहाँ के। अरुण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत। अरुण जी, एक और सरपंच जो है उसकी हत्या कर दी जाती है कश्मीर घाटी के अंदर और लगातार सुरक्षा पर सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे और सुरक्षा की मांग की जा रही थी। हालात ये कहा जा रहा है कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक और सरपंच जो है उनकी हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे सर? फेलियर ऑफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यूटी, ये सरकार की फेलियर है। दिल्ली सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे करना कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए हम बहुत बड़े सत्र पे प्रयास जारी हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो हैं वो सिर्फ मुझे लगता है कागज़ों तक ही सीमित है। ग्राउंड के ऊपर इसकी जो मौजूदगी है बिल्कुल ज़ीरो है। आए दिन आतंकवादियों द्वारा, दहशतगर्दों द्वारा PRIs की हत्या, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर PRIs को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत होते नहीं देखना चाहती। इसका सारे का सारा श्रेय, सारे का सारा जो है क्रेडिट बोलूँगा मैं इसको, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन देता हूँ, ये टोटल फेलियर है। लगातार जिस तरह से हत्याएं होती रही हैं, इससे पहले भी हत्याएं होती रही हैं और उसके बाद सरपंचों की बात करें तो सरपंच जो हैं वो सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। ये कहा गया कि जिनको हर एक सरपंच को सुरक्षा तो नहीं प्रदान की जा सकती, लेकिन जो खतरा जिनको है उनको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन एक और मौत हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? हम जब भी किसी ब्यूरोक्रेट को मिलते हैं, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जब हम मिले, आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन जब दिल्ली में गए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीरियसली नहीं लेती है। अगर लेती तो ये आए दिन जो सरपंचों की या PRIs की हत्या होती है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे खोखला है। कुछ दिन पहले की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो तो कल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो उपराज्यपाल नहीं रहे, जी.सी. मुर्मू साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर क्या मुद्दे आपने उठाए अपने इलाके को लेकर, BDC जो चेयरमैन है उनको लेकर, सरपंच पंचों के क्या मुद्दे आपने वहाँ पर रखे थे और क्या आश्वासन मुर्मू साहब ने दिया था आपको? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब का दिल की गहराइयों से उनका साधुवाद और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो PRIs सुंदरबनी ब्लॉक से, एडजाइनिंग एरिया से उनसे मिले थे, उन्होंने जो भी वादे हमारे साथ राज्य भवन में किए थे और उन्होंने टोटल जितने भी प्रॉमिसेस हमसे किए थे वो पूरे कर दिए। पहला प्रॉमिस उन्होंने किया सीओट के अंदर जो ग्रिड स्टेशन पिछले 15 वर्षों से वो तैयार पड़ा था, वो उन्होंने अभी हाल ही में कल चालू किया और उन लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जितना भी रोड्स हैं, चाहे वो CRF की हों, चाहे वो PMGSY की हों, जो रुके हुए काम हैं उनकी फंडिंग को हम रिलीज़ कराएंगे और उन्होंने कार्रवाई, वो लेटर मेरे पास आ गया है जो उन्होंने कार्रवाई की है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो दिया था 2 साल पहले, PM प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो सुंदरबनी और नशारा की हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, उनकी जो फंडिंग रुकी हुई थी उनका उन्होंने जो है वो निर्देश जारी किया था। और उसके बाद हमने सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि सिक्योरिटी जो सरपंचों पंचों की, PRIs की जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर उन्होंने एक लेटर जो है वो मेरे पास पहुँच गया है, जो DC कंसर्न को लिखा था कि जो जो सरपंचों को थ्रेट नहीं है उनको आप गन के लाइसेंस इशू करें
और जिनको थ्रेट है वो सिक्योरिटी रिव्यू करके उनको PSO जो है वो उनको दिए जाए। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने हमसे कहा था कि मैं BDC को ग्राउंड लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने के लिए जो है मैं युद्ध सत्र पे कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं रहा तो मैं BDCs को जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका विद रेजिडेंशियल और विद व्हीकल और विद, सबसे बड़ी बात जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और गवर्नर साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपने भी जो टाइम टू टाइम जो है ये CDF का जो मुद्दा था हमारा, BDF तो मैं बोलूँगा उस पर भी आएंगे। जिस तरह से अरुण जी लगातार BDC चेयरमैन की बात करें तो वो कह रहे थे कि हम अपने इलाके का विकास तो करवाना चाहते हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, लोग तो सवाल आपसे पूछेंगे अगर आपके इलाके में काम नहीं होगा। फंड्स की कमी होती थी, अब जिस तरह से BDF फंड्स जो हैं वो दिया गया है 25 लाख के करीब, इससे कितना फ़ायदा जो है वो आपके जो ब्लॉक होगा उसमें होगा और कितनी राहत आपको भी मिलेगी? क्योंकि सवाल तो आपसे भी पूछे जाते होंगे ना जब आप ग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि लोगों ने आपकर चुनकर यहाँ पर भेजा है। कितना अच्छा कदम जो है वो आप समझते हैं इसको? मैं सोचता हूँ कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, जितने वादों के साथ, जितने जज्बात के साथ सरकार ने इलेक्शन करवाए थे, जब से हम एक साल होने को जा रहा है BDC के चुनाव हुए, आज तक BDC का जो चेयरमैन है वो ऐसे लटका हुआ है। ऐसे एज पर प्रोटोकॉल देखा जाए BDC के चेयरमैन को आपने इक्वल टू DC रखा हुआ है, इक्वल टू सेशन जज रखा हुआ है, इक्वल टू ब्रिगेडियर रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो BDC चेयरमैन को तो AWPHE नहीं मानता, यहाँ पर AWPWD नहीं मानता, ADC नहीं मानता, तहसीलदार नहीं मानता। वो कुछ चंद BDC चेयरमैन हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, जिन्होंने एक्ट को 4-4 बार पढ़ा है कि PRIs का जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो न्याय 73 अमेंडमेंट करके जो एक्ट इन्होंने लागू किया है, उस एक्ट में BDC की क्या क्या पावर हैं वो तो जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ब्यूरोक्रेसी का जो सहयोग है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि BDC को ऐसे लटकाया जाए। कुछ तो ऑफिसर जो कहते हैं कि BDC जो है सिर्फ ब्लॉक BDO ऑफिस तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन एक्ट में है कि अगर PHE की स्कीम कोई ब्लॉक के अंदर बनेगी, चाहे वो 100 करोड़ रुपए की होगी, जब तक BDC चेयरमैन का अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो फाइनल नहीं होगी। अगर रोड के प्रोजेक्ट हैं, चाहे PMGSY हो, चाहे NABARD हो, चाहे CRF हो, चाहे PWD का कोई प्रोजेक्ट हो, जब तक BDC उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक वो फाइनल नहीं होगा। ये इसके लिए सारे का सारा श्रेय मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मुर्मू साहब को देना चाहता हूँ। वो जाते जाते हमारा थोड़ा कल्याण कर गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बना के रखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। आपने देखा कि एक गवर्नर आए उनकी छुट्टी हुई, दूसरे गवर्नर आए उनकी छुट्टी हुई, अब तीसरे गवर्नर जो हैं आज आ रहे हैं। हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं रवि जी, जो जम्मू कश्मीर को पीस वो देखना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा हो, उनकी जेबें जो गर्म होती रहें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब सिन्हा साहब को ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत की कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जानी के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे तो हमारा 42,000 PRIs मेंबर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जो है वो काम करेगा। आखिरी सवाल करूँगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहूँगा अरुण जी, भ्रष्टाचार BDO ब्लॉक की बात करें, आपके साथ सेवट लगता है, आपके साथ सुंदरबनी लगता है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है सर। हम कुछ ही दिनों में बड़े खुलासे करने जा रहे हैं जी। लोगों को पैसे मांगे जाते हैं लोगों से, जो पैसे देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसे देता है उसकी पेमेंट निकल जाती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी सीओट की, लेकिन जल्दी सुंदरबनी पर भी आएंगे। सर BDC चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन तो आप भी हैं सर, ऐसे लोगों पर नकेल कब कसी जाएगी? क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है सर। गरीब लोग, अगर किसी का मकान बन रहा है उससे पैसे की मांग की जाती है, अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो सरकार से मकान क्यों लेता?
बाथरूम्स के पैसे जो हैं वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो देने थे वो नहीं दिए गए हैं। जो 2,000 रुपया 1,000 रुपया देगा उसको पैसे दे दिए जाएंगे, नहीं देगा उससे 4-4 साल से फाइलें जो हैं लटकी हैं। इन पर कब नकेल, इस भ्रष्टाचार पर कब नकेल कसी जाएगी अरुण जी? रवि जी, आप जम्मू कश्मीर के बड़े माने हुए पत्रकार हैं और मुझे लगता है तकरीबन 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर आपके चैनल का जम्मू कश्मीर में है, तो आप भ्रष्टाचार के मुद्दे में देखता हूँ, चाहे जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, चाहे सांबा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ हो, आपका चैनल जो है वो हर ब्लॉक के अंदर पहुँचा होता है। इसके लिए आप बधाई और साधुवाद आपको। मैं ये आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब 5 साल पहले सिस्टम को चेंज किया था लोगों ने, तब कुछ नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब भी रहे थे कि उन्होंने सिस्टम को चेंज किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म हुआ, ये आपने सच बोला। लेकिन हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हम सुंदरबनी अपनी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैं सुंदरबनी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, आप पूरे मेरी 20 के करीब पंचायतें हैं, आप 20 पंचायतों में दौरा करिए, अगर कोई आपको मिलता है भ्रष्टाचार का केस, हम आपको जिम्मेवारी के साथ कहते हैं हम उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैंने जब से BDC की कमान संभाली है, मैंने आते ही कुछ भ्रष्टाचारियों को ऑफिस से आउट किया था। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं इन भ्रष्टाचारियों को ऑफिस से बाहर नहीं कर लूँ तब तक मैं BDC की चेयर को ऑनर नहीं करूँगा, तब तक मैं गद्दी पे नहीं बैठूँगा। मैं गद्दी पे तब बैठा था जब मैंने उन भ्रष्टाचारियों को ऑफिस से बाहर किया था। अभी रिसेंटली 24 घंटे नहीं हुए हैं, मैंने एक TA को जो है सुंदरबनी के ऑफिस से आज मैंने लेटर लिखा, कल मैंने लेटर लिखा था ACD रजौरी को, मैंने बोला ये TA जो है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि PRIs की कंप्लेन आती है, ये TA चाहे वो PMAY हो चाहे वो SBM हो, ये बिल्कुल सही बोला आपने, एक एक PMAY के एवज में जे 20-20 हज़ार रुपये लेते थे, और स्वच्छ भारत अभियान 12,000 रुपये का बाथरूम है वहाँ 2,000-2,000 रुपये लेते थे। लेकिन मैं आपके साथ बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, सुंदरबनी ब्लॉक में आपको ऐसा अगर, क्योंकि जो तो है ना अपना ये मीडिया, ये 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन का आप भी एक हिस्सा हो और आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। सुंदरबनी ब्लॉक में अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार का केस मिलता है तो आप उसको उजागर करिए, हम उसको दंडित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बात। थैंक यू रवि जी। ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा जो कि BDC चेयरमैन हैं सुंदरबनी के, और जिस तरह से पंचों और सरपंचों की बात करें लगातार कश्मीर घाटी के अंदर हत्याएं उनकी की जा रही हैं, और आज एक और सरपंच जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और बड़ी दुखद ये घटना थी। और सरकार की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वादे ये किए गए थे कि सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन इस बीच एक और जो चुने हुए नुमाइंदे थे उन्होंने अपनी जान जो है वो गवा दी। और आखिर कब तक इस तरह से जाने जो हैं वो पंचों और सरपंचों की जाती रहेंगी। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा यहाँ पर है, अरुण जी का ये कहना है कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार करता है तो आप सीधा इनसे संपर्क करें, आप किसी को पैसे ना दें काम के, क्योंकि भारत देश की बात करें तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गैरकानूनी, और कहीं ना कहीं अगर आप पैसा देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी है। फिलहाल अब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी तरुण वर्मा के साथ दें इजाज़त, मगर आप देखते रहें लाइव।